लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती नीलम कवरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विभवनाथ भारती जी, जिला महामंत्री किसान पार्टी श्री फतेह बहादुर विशाल जी, ओंकार केसरी जी, विक्रमादित्य मौर्य जी, कृष्णदास जी, जितेंद्र सोनकर जी, अशोक सिंह जी, मंगलदेव द्विवेदी जी, धर्मेंद्र प्रसाद पांडे जी, कामेश्वर पटेल जी, जितेंद्र श्रीवास्तव जी, संजय केसरी जी, अखिलेश शुक्ला जी, पूर्व विधायक राम सेवक पटेल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी अपना दल और किसान पार्टी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब मैं प्रयागराज आता हूं तो मुझे दुनिया की पहली गुरुकुल का संचालन करने वाले महर्षि भारद्वाज का स्वर हो उठता है। आप याद करिए कि हजारों वर्ष पहले महर्षि भारद्वाज ने सनातन वैदिक धर्म को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए अपना पहला गुरुकुल के लिए स्थापित किया था, जो प्रयागराज की धरती है। और यही परंपरा आगे बढ़ती है, यही के बगल में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को घर घर तक पहुंचा करके भगवान राम को हम सबके जीवन का हिस्सा बना दिया। और भाइयों बहनों, निषाद राज गो को कौन विस्मृत कर सकता है? श्रृंगवेदपुर का विकास उसी भावना के अनुरूप आज भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार कर रही है। मित्रों, आप जब मैं प्रयागराज की धरती पर हो, आप 100 अनुमान लगा सकते हैं, पहले की सरकारें महोत्सव के नाम पर क्या करती थी, सिफई महोत्सव के नाम पर क्या होता था, सबको पता है। लेकिन आज जब महोत्सव की बात होती है, वह अयोध्या का दीपोत्सव, वृंदावन बरसाना का रंगोत्सव, काशी की देव दीपावली और प्रयागराज का भव्य और शुद्ध कुंभ सबके सामने आ जाता है। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के मिलन की धरती को, उसकी पुरातन पहचान प्रयागराज के रूप में स्थापित करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार को प्राप्त हुआ है। और आज मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं कि दुनिया आपका अभिनंदन करती है। प्रयागराज आपको एक नई पहचान दे रहा है। और भाइयों बहनों, प्रयागराज की पहचान को बनाए रखने के लिए भारत की सनातन धर्म की परंपरा की ध्वजा पताका को हम सदैव ऊंचा रख सके, इसके लिए
आज भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर आवश्यक है। भैया बहनों, मैं प्रयागराजवासियों से आपसे पूछना चाहता हूं, मेघावासियों से, क्या 2017 से पहले आपको बिजली मिल पाती थी? 2017 के बाद नीलम जी ने और यहां पर रीता जी ने हर उस गांव तक बिजली पहुंचाई होगी जो आजादी के बाद भी बिजली कहां नहीं मिली होगी। आज तो सबको बिजली पर्याप्त बिजली है और कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, उन्होंने कोरोना कालखंड में फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? सभी ने बिहार वैक्सीन लिया? मुझे कहा बताइए, वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा था? वैक्सीन में पैसा भी नहीं लगा किसी ने? और भाई बहनों, अगर सपा बसपा की सरकार होती तो कोई वैक्सीन बाजार में बिक रही होती किसी तरीके से नहीं मिलता। कोरोना कालखंड में महीने में 2 बार राशन मिला है कि नहीं मिला है? मिला है सर लोगों को? राशन मिलने में कोई भेदभाव तो नहीं हुआ? और राशन के साथ दाल, रिफाइंड तेल और नमक उन्हें मिल गया है ना? सभी को मिला है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? भाइयों बहनों, ये राशन का पैसा कहां चला जाता था? दवा का पैसा, वैक्सीन का पैसा कहां चला जाता था? ये बिजली का पैसा कहां जाता था? और यही पैसा जाता था इनके इतवानी मित्र के यहां। और इतवानी मित्र के लिए हमने पहले से ढूंढा है, गरीबों के लिए राशन के लिए पैसा आता है और फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन के लिए पैसा आता है और सबको बिजली, पर्याप्त बिजली के लिए पैसा कमी नहीं होने देती है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने जब तय किया है, जब 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी तो भाइयों बहनों, योजना के हर परिवार वालों को होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा। 7 साल से ऊपर की हर माता बहन को फ्री में परिवहन निगम की बस में चलने की सुविधा देंगे। और हमने यह भी तय किया है, बेटी के जन्म लेने से लेकर के अब तक स्नातक तक 15,000 रुपए काम करके देते थे, इस राशि को बढ़ा करके अब बेटी को 25,000 रुपया देंगे। गरीब कन्याओं की शादी के लिए पहले 51,000 रुपया अनुदान देते थे कन्यादान के रूप में, अब भाइयों बहनों 1,00,000 रुपया करने जा रहे हैं। और मैं प्रयागराज में तो हमारे लाखों बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हमने तय किया है, हमने एक तय किया है कि पिछली बार 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार और सुपर रोजगार दिया, इस बार उत्तर प्रदेश के हर परिवार के 1 सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार में से कोई एक चीज जरूर देंगे। 1 करोड़ नौजवानों को वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं और भाइयों बहनों, 10 मार्च के बाद इसको 2 करोड़ की ओर लेके जाएंगे, 2 करोड़ नौजवान। और यही नहीं,
ऑनलाइन एजुकेशन हो या ऑनलाइन एग्जामिनेशन, कंपटीशन की तैयारी के लिए हो या कोई अन्य पाठ्यक्रम देखने के लिए, इसका मैसेज माँ बाप के ऊपर नहीं आएगा, ये भी सरकार वहन करेगी, हर छात्र को सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन भाइयों बहनों, ये सभी कार्य करने के लिए एक दमदार सरकार चाहिए। दमदार सरकार बनाने में योगदान देंगे, मेरा से तब नीलम जी जीतेंगे तभी दमदार सरकार बनेगी। सहमत है सभी लोग? सभी लोग बताएंगे? लेकिन याद रखना, दमदार सरकार के लिए 27 फरवरी को चुनाव है और पहला काम क्या होना है? पहला मतदान। सभी लोग सहमत है? नीलम जी आप अभिवादन स्वीकार करें, रीता जी आप भी आ जाइए, आप दोनों सभी लोग हाथ खड़ा करके मेरे साथ मिलेंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, करोड़ चुनाव चिन्ह पर वोट देंगे ना, मैं आप से होकर बैठा हूं पूरी मुस्तैदी के साथ, मेरे साथ बोलेंगे भारत।